स्टूडेंट, दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 9 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. द चैप्टर नेम इज रिंग आउट वाइल्ड बेल्स. ये एक पोयम है रिटन बाय लॉर्ड टेनिसन. दीज आर जस्ट अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम इन मेमोरियम AHH बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. द ऑथर wrote the poem in memory of a close friend who died as a young adult. यहाँ पर कुछ lines poem की दी हैं जो कि Alfred Lord Tennyson की एक poem है In Memoriam में से ली गई हैं. और यहाँ पर author क्या बता रहे हैं, यहाँ पर poet ने इस poem में ये लिखा है कि In memory of a close friend who died as a young adult. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के क्लोज फ्रेंड थे जिनकी डेथ हो गई थी बहुत यंग एज में. तो उन्हीं के डेथ में जो वो इतने सैड हो गए थे डेथ की वजह से, उसी के ऊपर उन्होंने एक पोयम लिखी थी. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850. ये 1850 में पब्लिश की गई थी. टेनिसन कॉज फॉर एन एंड टू ग्रीफ फॉर दोज हु हैव डाइड. टेनिसन कॉज फॉर एन एंड टू ग्रीव फॉर दोज हु डाइड. जो भी संसार में मरते हैं उनके मरने पर दुख प्रकट किया है, दुख शो सैडनेस शो की है टेनिसन ने इस पोयम में. दे आर एट रेस्ट हु वी हु रिमेन मस्ट मूव ऑन एंड लिव. और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जिनकी डेथ हो गई है उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए और हमें अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर लेना चाहिए और अपनी जिंदगी जीनी चाहिए. ही ऑल्सो कॉल्स फॉर एन एंड टू द डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर एंड वॉन्ट्स देम टू लिव इन हार्मनी विद ईच अदर. और उन्होंने ये भी यहाँ पर शो किया है कि रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसका अंत हो जाना चाहिए और हम सबको एक साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. अब देखते हैं पोयम में क्या है. Ring out wild bells to the wild sky, the flying cloud, the frosty light, the year is dying in the night. Ring out wild bells and let him die. यहाँ पर poet अपने friend के close friend की death पर कहना चाह रहे हैं कि ring out wild bells to the wild sky. मतलब वो वहाँ की scene को show कर रहे हैं जो उनके mind में भी है और उनको चारों ओर दिख रही है कि हमें बेल्स को बजाना चाहिए और पूरे पूरे वर्ल्ड को वो ऐसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड उस समय सैड है उनके फ्रेंड की डेथ पर. हमें वाइल्ड बेल्स बजानी चाहिए और जिस समय पूरा संसार दुखी है, स्काई भी वाइल्ड हो रहा है मतलब बारिश होने का मौसम हो रहा है, द फ्लाइंग क्लाउड क्लाउड्स फ्लाई कर रहे हैं इधर मूव कर रहे हैं, लाइट भी फ्रॉस्टी हो रही है. फ्रॉस्टी मीन्स कवर्ड विद स्नो. द ईयर इज डाइंग इन द नाइट. और रात में ऐसा लग रहा है कि संसार खत्म हो रहा है. रिंग आउट वाइल्ड बेल्स एंड लेट हिम डाई. हमें बेल्स को रिंग करना चाहिए और जो दुनिया से जा रहे हैं उन्हें अलविदा कहना चाहिए. रिंग आउट द ओल्ड ring in the new, ring happy bells across the snow. The year is going, let him go. Ring out the false, ring in the true. यहाँ पर poet क्या कहना चाह रहा है कि जो पुराना बीत गया उसको हमें छोड़ देना चाहिए और नए सिरे से अपनी life start करनी चाहिए, अपनी जिंदगी को happy रखना चाहिए. Ring happy bells, अपनी life को अपने आप को happy रखना चाहिए. जो आता है वो उसको जाना ही है और हमें अपने आप को उसके समय के साथ मूव ऑन करना चाहिए. द ईयर इज गोइंग लेट हिम गो. जिसकी डेथ हुई है जो जा रहा है उसको जाने देना चाहिए और हमें अपनी बुराइयों को मार करके अच्छाइयों में जीना चाहिए. रिंग आउट द ग्रीफ दैट सैप्स द माइंड फॉर दोज दैट हियर वी सी नो मोर. रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर. Ring in redress to all mankind. Grief means sadness.
और सैप्स मीन्स होता है वीकनेस, रिंग आउट द ग्रीफ दैट सैप्स द माइंड, हमें ऐसी सैडनेस जो हमारे माइंड में है, हमारे माइंड को वीक कर रही है, उनको जगाना चाहिए। फॉर दोज दैट हियर वी सी नो मोर, जो भी हमारे पास हैं जिनकी डेथ हो रही है और जो संसार में मर रहे हैं लोग, उनके लिए हमें दुख प्रकट करना चाहिए। रिंग आउट द फ्यूड्स ऑफ रिच एंड पुअर, रिच और प्योर पीपल के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फाइट्स हैं, उनको खत्म करना चाहिए। रिंग इन रीड्रेस टू ऑल मैनकाइंड, और हम सबको रीड्रेस मीन्स होता है टू सेट राइट, हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए, हमें सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। रिंग आउट अ स्लोली डाइंग कॉज एंड एंशिएंट फॉर्म ऑफ पार्टी स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स होता है ट्रबल। रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ विद स्वीटर मैनर्स प्योरर लॉज, जो भी चीजें हमें अंदर से मार रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। द एंशिएंट फॉर्म ऑफ पार्टी स्ट्राइफ, जो भी चीजें हमारे लिए ट्रबल कर रही हैं, जो एंशिएंट टाइम की हैं, जो पहले से चीजें चली आ रही हैं, उनको हमें खत्म कर देना चाहिए। रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ, हमें नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए नई सोच के साथ, विद स्वीटर मैनर्स प्योरर लॉज, अच्छे मैनर्स के साथ और नए नियमों के साथ हमें अपने जीवन को शुरू करना चाहिए। रिंग आउट ओल्ड शेप्स ऑफ फोल डिसीज, रिंग आउट द नैरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड, रिंग आउट द थाउजेंड वॉर्स ऑफ ओल्ड, रिंग इन द थाउजेंड ईयर्स ऑफ पीस। रिंग आउट ओल्ड शेप्स ऑफ फोल डिसीज, फोल डिसीज मीन्स जितने भी बुरे बुरे हमें बीमारियां होती हैं, रिंग आउट रिंग आउट ओल्ड शेप्स ऑफ फोल्ड डिसीज, जो भी हमारे दिमाग में बुरी सोच है किसी के लिए, रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो दूसरों के लिए हम हेट फील करते हैं, ये सारी जो बुराइयां हैं हमारे अंदर, उनको हमें खत्म कर देना चाहिए। रिंग आउट द नैरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड मीन्स पैसे की जो चाह है, जो ग्रीड है लोगों के अंदर, उसको भी हमें खत्म कर देना चाहिए। रिंग आउट द थाउजेंड वॉर्स ऑफ ओल्ड, जो सालों से युद्ध चले आ रहे हैं, लड़ाइयाँ चली आ रही हैं, उसको भी हमें खत्म करना चाहिए। रिंग इन द थाउजेंड ईयर्स ऑफ पीस, और हम सबको शांति से मिलजुल कर रहना चाहिए। ये पोयम आपकी कंप्लीट हो गई है, इसमें आपको 12 लाइन पोयम लिखनी है कॉपी में और वर्ड मीनिंग्स करनी है कॉपी में, 12 लाइन पोयम और वर्ड मीनिंग्स इतना कॉपी में करना है। और सिर्फ मैंने टिक द करेक्ट ऑप्शन इसमें कराया है, इसमें टिक नहीं, मैं बता दे रही हूँ, इसको टिक कर लेना। वन का होगा वन, टू का होगा थ्री, थ्री का होगा वन, इसको टिक द करेक्ट ऑप्शन बुक में कर लीजिएगा और बाकी वर्ड मीनिंग और पोयम आपको कॉपी में करनी है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास, गुड डे।